हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1917। इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं, उसके बाद इशू क्या था ये समझेंगे, और फिर यहाँ गांधी जी का रोल क्या था ये देखेंगे, और अंत में चंपारण सत्याग्रह का आउटकम और इम्पैक्ट्स को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। बात 1750 की है, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में मात्र एक ट्रेडिंग कंपनी थी, और उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार इंडिया में इंडिगो प्लांटेशन की शुरुआत की। ये प्लांटेशन किया जा रहा था बिरार, अवध और बंगाल में। आज के टाइम पर जो महाराष्ट्र का ईस्टर्न रीजन है उसे पहले बिरार कहा जाता था, जबकि अवध आज के उत्तर प्रदेश को कहा जाता था। ये इंडिगो बेसिकली और कुछ नहीं, नील है, और इसे कपड़े रंगने के लिए नेचुरल डाई की तरह इस्तेमाल किया जाता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन फार्मर्स से इंडिगो प्लांटेशन करवाती थी और उसे ले जाकर चाइना, यूके और यूरोप की मार्केट्स में अच्छे दामों पर बेचती थी। हालांकि लोकल फार्मर्स इंडिगो कल्टीवेशन के पक्ष में नहीं थे, प्रॉब्लम ये थी कि इंडिगो प्लांटेशन के लिए बाकी क्रॉप्स की अपेक्षा ज़्यादा पानी देना होता था, और इतना ही नहीं, इंडिगो प्लांटेशन से ज़मीन की उपजाऊ क्षमता भी कम हो जाती थी, यानी सोयल इनफर्टाइल हो जाती थी। तो इंडियन फार्मर्स और ब्रिटिश प्लांटर्स के बीच एक एग्रीमेंट हुआ जिसे तीन कथिया सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ये जो वर्ड है तीन कथिया, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, तीन और कट्ठा। तीन मीन्स थ्री, और कट्ठा एक लैंड मेजरमेंट यूनिट होती है, जैसे कि आपने सुनी होंगी स्क्वायर फीट, एकड़, बीघा एटसेट्रा। तो बेसिकली एक बीघा जो है वो 20 कट्ठे के बराबर होता था। तो एग्रीमेंट ये हुआ था कि हर एक फार्मर को प्रत्येक बीघे में 3 कट्ठे इंडिगो उगाने होंगे। कहने का मतलब फार्मर को अपनी लैंड के 3/20 पार्ट पर इंडिगो ग्रो करना ज़रूरी है, और बाकी बचे 17 भागों में वो जो चाहे वो उगा सकता है। यानी फार्मर को एक बीघा में 3 कट्ठा इंडिगो बोना ज़रूरी है, जिसके लिए ब्रिटिश प्लांटर्स फार्मर्स को एक अच्छी खासी रकम भी देते थे, इसकी पेमेंट होती थी। तो अब आप लोग कहोगे कि फिर इशू क्या है भाई, जो भी एग्रीमेंट हुआ है वो तो म्यूचुअल है, फार्मर्स को पैसा मिलता था और इंडिगो बोते थे, तो दिक्कत क्या है? तो चलिए इशू क्या है ये भी देख लेते हैं। हुआ क्या कि साल 1915 में जर्मन्स ने एक आर्टिफिशियल डाई इन्वेंट कर ली। ये डाई ऑर्गेनिक इंडिगो डाई जो इंडिया में प्रोड्यूस की जा रही थी उससे काफ़ी सस्ती थी। तो इशू ये हुआ कि विदेशी बाज़ारों में ऑर्गेनिक इंडिगो डाई जो इंडिया में प्रोड्यूस हो रही थी उसकी डिमांड गिरती चली गई, और जर्मन डाई की मांग लगातार बढ़ती जा रही थी। ऐसे में ब्रिटिश प्लांटर्स ने ऑर्गेनिक इंडिगो डाई की कॉस्ट को कम करने के लिए फार्मर्स को दी जाने वाली जो एडवांस पेमेंट थी उसको रोक सा दिया या कम कर दिया। इंडियन फार्मर्स को ये बात अच्छी नहीं लगी, उन्होंने इंडिगो उगाना ही छोड़ दिया और दूसरी खेती करना शुरू कर दिया। यानी जो तय 3/20 लैंड थी उस पर भी अब उन्होंने दूसरी फसल उगाना शुरू कर दिया। लेकिन ज़माना बदल गया था, अब ब्रिटिशर्स भारत में जस्ट ट्रेडर्स नहीं थे, अब साल 1915 था और अब इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी थी। तो ऐसे में अब ब्रिटिश प्लांटर्स के पास भी अब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था, पुलिस और सरकार दोनों उनकी अपनी थी, तो उन्होंने इंडियन फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश प्लांटर्स जो है वो इंडियन फार्मर्स को ज़बरदस्ती फोर्स कर रहे थे कि वो इंडिगो की पैदावार जारी रखें, और इसके लिए ब्रिटिश प्लांटर्स कभी थोड़ी बहुत पेमेंट कर देते थे और कभी बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पर एंट्री होती है गांधी जी की। गांधी जी 1915 जनवरी में ही साउथ अफ्रीका से वापस लौट आए थे, साबरमती में उन्होंने अपना आश्रम बना लिया था, और साल 1917 में बिहार के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट चंपारण से कुछ लोकल लीडर्स चंपारण के फार्मर्स की प्रॉब्लम लेकर गांधी जी के पास पहुँचे। गांधी जी ने अपनी एक टीम तैयार की जिसमें राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और बाबू राजकिशोर प्रसाद जैसे एमिनियंट लॉयर्स थे, और इस टीम के साथ गांधी जी गुजरात के अपने साबरमती आश्रम से निकलकर बिहार के चंपारण पहुंचे। गांधी जी चंपारण पहुंचे 10 अप्रैल 1917 को। गांधी जी ने चंपारण पहुंच के सिचुएशन का जायजा लिया और लॉन्च किया सिग्नेचर कैंपेन, जिसमें गांधी जी की टीम ने चंपारण और आसपास के विलेजेस की एक डिटेल्ड सर्वे करना शुरू किया। इस सर्वे में विलेजर्स के ऊपर क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं, विलेजर्स की दशा और उनकी पीड़ा को इस सर्वे में रिकॉर्ड किया गया। इंडिविजुअल विलेजेस के पास कितनी ज़मीन है, फैमिली साइज क्या है, इनकम क्या क्या है, सब कुछ डिटेल में रिकॉर्ड किया गया, और उस पर फार्मर्स के सिग्नेचर और अंगूठे के निशान लिए गए। जब इसकी जानकारी ब्रिटिश लोकल अथॉरिटीज़ तक पहुंची, तो पुलिस कमिश्नर ने गांधी जी को चंपारण में अनरेस्ट क्रिएट करने के जुर्म में
अरेस्ट कर लिया। अप्रैल 18, 1917, ये वो दिन था जिस दिन गांधी जी को मोतिहारी कोर्ट के मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। अराउंड 2000 लोकल विलेजर्स उनके साथ थे। पूरा कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। कोर्ट रूम के बाहर तक लोगों का हजूम लगा हुआ था और मैजिस्ट्रेट ने जब गांधी जी से पूछा कि आप अपनी डिफेंस में कुछ कहना चाहते हो, तो गांधी जी का जवाब सुनकर मैजिस्ट्रेट तो हिल गया। गांधी जी ने बहुत ही हम्बल वे में खुद को दोषी माना। आप यहाँ पर गांधी जी की मोतिहारी कोर्ट में दी गई स्टेटमेंट को यहाँ पर देख सकते हो। ये बात जब ऊपर तक पहुँची तो बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गांधी जी को छोड़ देने के ऑर्डर दिए और कलेक्टर ने गांधी जी को अपने सर्वेस कंटिन्यू करने की इजाज़त भी दे दी। इसके बाद गांधी जी और उनकी टीम विलेजर्स के सर्वे करने में वापस से जुट गई और लगभग 4000 फाइल्स ले जाकर गांधी जी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रख दी। गवर्नमेंट को गांधी जी के एफर्ट्स काफ़ी जेन्युइन लगे। उन्होंने देखा कि ये गांधी जी की तरफ से एक जेन्युइन रिक्वेस्ट है कि चंपारण के विलेजर्स की सिचुएशन को इम्प्रूव करना चाहिए, और साथ ही साथ गांधी जी के नेतृत्व में कोई भी वायलेंस भी नहीं हुआ था। गवर्नमेंट गांधी जी से काफ़ी इम्प्रेस थी और उन्होंने सोचा क्यों ना गांधी जी की रिक्वेस्ट मान ली जाए। उन्होंने इस इशू के लिए इंडिगो कमीशन अपॉइंट किया जिसमें गांधी जी भी वन ऑफ द मेंबर्स थे। इंडिगो कमीशन की रिपोर्ट के बेस पर 4 मार्च 1918 में बिहार एंड उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली में चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट पास किया गया। इस एक्ट ने तीन खतिया सिस्टम को कम्प्लीटली एबोलिश कर दिया और इसी के साथ साथ फार्मर्स को कंपनसेशन भी दिया गया। ये ना सिर्फ चंपारण के विलेजर्स बल्कि गांधी जी और उनके फॉलोअर्स की एक बहुत बड़ी जीत थी। हिस्टोरियंस इस इवेंट को इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में गांधी युग की शुरुआत के रूप में देखते हैं। इस वीडियो के नोट्स आप booksava.com वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। माइंड मैप्स के लिए booksava को टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए। booksava चैनल पर हिस्ट्री की बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से इंडिया के आज़ाद होने तक की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस को देखते रहने के लिए booksava चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग booksava।